वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, आज जो हम पतंग बनाने जा रहे हैं वो है बिल्कुल प्योर ब्लैक पतंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक लिफाफा मेरे पास है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं भाई प्योर ब्लैक पतंग बना के दिखाइए सर लिफाफे से प्योर ब्लैक। तो फाइनली हमें जो ब्लैक कलर का लिफाफा वो मिल चुका है। तो अब देखिए बनाने किस तरह क्या, सबसे पहले स्टेप समझ लीजिए। स्टेप समझने से पहले मैं बता देता हूँ भाई आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको लिफाफा ले लेना है भाई जिससे पतंग बनाओगे। उसके बाद सीजर की जरूरत पड़ेगी इसकी कटिंग करने के लिए। चाहो तो आप सीजर से कट कर सकते हो या फिर आप थ्रेड से भी कट कर सकते हो। जैसे हम सद्दी ले रखी है यहाँ पर, आप सद्दी का भी यूज़ कर सकते हो कटिंग करने के लिए। वो मैंने वीडियो में बनाया भी हुआ है भाई सद्दी से किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। वैसे मैं सद्दी का इस वीडियो में यूज़ करूँगा कन्ने डालने के लिए। उसके बाद आपको तिल्ले ले लेने, आप जो तिल्ले ले लेना चाहे तो आप झाड़ू के तिल्ले ले सकते हो या फिर पुरानी पतंग जो फट जाती है उसके तिल्ले ले सकते हो या फिर इस तरह के तिल्ले ले सकते हो। ये जो तिल्ले हैं ना गाइज, ये बिना सिक्के हुए तिल्ले हैं। ये मैं दिल्ली से ही लाया था, यहाँ पर जो लाल कुआ मार्केट है उससे मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। तो ये बिना सिक्के हुए तिल्ले हैं, मैं इन्हीं से ही पतंग बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ के साथ इन सबको चिपकाने के लिए आपको टेप की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो कटिंग देखिए, क्योंकि कटिंग की सबसे मेन चीज़ है। अगर आप पतंग की शेप की कटिंग कर लेते हो फिर बाकी चीज़ तो बहुत ईजी बन जाती है। तो देखिए सबसे पहले कटिंग क्या करनी है आपको, ये जो लिफाफा है आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। ये मैंने इधर से ऐसे स्ट्रेट किया, इधर से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना। देखिए ये देखिए दोनों तरफ से, ठीक है, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करना। ये फोल्ड किया, बिल्कुल सीधा ही फोल्ड करना आपको। ये फोल्ड किया और ये पोर्शन फोल्ड किया। अब ये जो ऊपर के बैग, मतलब ये जो हमारे पकड़ने के होते हैं ना, ये दोनों, इसको कटिंग करनी है हमें। अब ये नहीं है भाई हम यहाँ से काट दें, यहाँ से नहीं काटने, बिल्कुल इस पॉइंट से काटनी है हमें इक्वली। तो मैंने यहाँ से रख के सीजर और इसको कट डाउन कर दिया, ठीक है। सेम वे में मुझे क्या करना है, जो नीचे का पोर्शन है ये, इसको भी मुझे कट डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पर रखी सीजर और इसको बड़े ही आराम से कट डाउन कर दिया। अब देखिए अब जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया वो किस तरह का रिजल्ट है यहाँ पर। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा पन्नी को, तो सबसे पहले तो देखिए इस तरह की कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अभी ये क्या चीज़ है, इसके बीच में अभी ये इस तरह से है ये चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए अगर मैं इसको पूरी ओपन करूँ तो कुछ इस तरह की यहाँ पर ओपन हो रही है ये, क्योंकि हमने क्या किया था, सिर्फ ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन ही तो कट किया है। तो इसी करके ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन कट होने के बाद कुछ इसी तरह का आया यहाँ पर। अभी बीच में देखिए गैप है, ये दिख रहा है ना आपको, देख कैमरे में दिखा, देखिए। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इसको ना सीधा लेटा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है यहाँ पर, ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर कर लिया, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ही ध्यान से बड़े ही आराम से ये इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना, ठीक है, कर लिया स्ट्रेट। अब यहाँ से क्या करना है, एक कोने को इस तरह से कटिंग कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर सीजर रखी, इधर से मैंने सीजर यहाँ पर रखी और इस कोने को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में कटिंग कर दी। ये देखिए होगी कटिंग। अब इसको जब मैं ओपन करूँगा तो देखिए कितने बड़ी यहाँ पर ये जो पन्नी है ये ओपन हो चुकी है। अब ये हमारे पूरी पन्नी होती है इतनी बड़ी। अब चाहूँ तो इसमें से मैं दो पतंगे तीन पतंगे बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। हालांकि दो ही पतंगे बनेगी, एक तो यहाँ की पतंग बन जाएगी, एक पतंग यहाँ से और एक पतंग निकलेगी हमारी इस कोने से, मतलब यहाँ से सिर्फ दो ही पतंगे पॉसिबल है। बीच में सिर्फ ये थोड़ा सा गैप बचेगा, तो हमें एक ही पतंग बनानी है फिलहाल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइड करता हूँ थोड़ा इसको, यहाँ से इसको बेंड किया पतंग की शेप में, ठीक है, ये पतंग की शेप में बेंड किया यहाँ तक। और उसके बाद ये जो पोर्शन है, मतलब जहाँ तक भी ये बेंड हुआ है यहाँ तक, ये जो पोर्शन है इधर से मैं इसको कट डाउन कर दूंगा। बस इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना भाई, कटिंग बड़ी आसान से, मतलब आसानी भी होनी चाहिए कटिंग में और ना आराम से करनी है, ताकि ना हमारी कटिंग गलत ना हो। जो हम शेप चाहते हैं वही शेप हमें मिले, फिर पता लगे कभी शेप ही पतंग की नहीं मिली, कुछ और ही शेप मिली हमें। अभी देखो कटिंग करते हैं ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो पन्नी है ये बड़ी पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। ज़्यादा मोटी होती है ना फिर आराम से कटिंग हो जाती है। ये देखिए अब साइड में कर दी मैंने वो पोर्शन, और ये देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देख सकते हैं पतंग की शेप हमें मिल गई। अब चाहो तो आप जैसे मर्जी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जो आपका दिल करे उस तरह से आप पतंग इसमें बना सकते हो बड़ी ही ईजी वे से, ठीक है। तो अब मैं जो इसमें पतंग बनाऊँगा वो कुछ इस तरह से बनाऊँगा, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से पतंग बनाऊँगा। यहाँ से स्ट्रेट तिल्ला लगाऊँगा, यहाँ से गोलाई का तिल्ला लगाऊँगा। चाहो तो मैं इस तरह से भी इसको बना सकता हूँ बड़ी आसानी से, यहाँ से स्ट्रेट तिल्ला लगा दूंगा और यहाँ से गोलाई का तिल्ला। अब मैंने बताया था तिल्ले हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहो तो आप झाड़ू के तिल्ले ले सकते हो, पतंग के पुराने तिल्ले ले सकते हो, कुछ भी तिल्ले ले सकते हो। और झाड़ू के तिल्ले से कैसे पतंग के तिल्ले बनाने वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं दो तिल्ले छांट लेता हूँ, एक मुझे स्ट्रेट तिल्ला चाहिए यहाँ पर और एक गोलाई का तिल्ला। तो ये मैंने यहाँ पर तिल्ला छांटा,
तो ये गोलाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट तिल्ला है, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है गोलाई के लिए। तो इसको गोलाई के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, क्योंकि हमें एक ठड्डा और एक कमान दो चीज़ें चाहिए होती है ना यहाँ पर। वैसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं एक सीधा तिल्ला एक गोलाई का तिल्ला, वैसे ही असली में भाषा होती है ठड्डा और कमान। ठड्डा होता है स्ट्रेट और कमान होती है गोलाई में। तो स्ट्रेट तिल्ला भी देख लेता हूँ मैं कोई बढ़िया सा यहाँ पर। अब वैसे ये देखिए गोलाई का तिल्ला बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा बढ़िया हैवी उसमें, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ और पतंगों में काम आएगा। स्टेट का तिल्ला छांट लेता हूँ अभी मैं। और जो अगर आपके पास पुराने पतंग के तिल्ले होते तो आपको छांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी तिल्ले छटे छटाए हैं ही आपके पास, तो आपको तो छांटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हमने स्टेट तिल्ला भी छांट लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करनी है, कटिंग करनी है इस तिल्लों की। तो मतलब कटिंग का मेरा मतलब है जितने की जरूरत है उतना रखेंगे, बाकी का पोर्शन हम तिल्लों का कट डाउन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले मैं ना टेप लगा लेता हूँ, फिर बाकी का ऊपर का पोर्शन ले लूँगा। ये जो है ना ये बॉटम पोर्शन है इसका, और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसका टॉप है। तो पहले मैं बॉटम पे यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको, और फिर बाकी का जो पोर्शन है ऊपर का, फिर उस पर तिल्ला जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक लेकर बाकी का तिल्ले को मैं कट डाउन कर दूँगा। तो मैंने टेप ली, टेप आपको लगा देनी है। चाहो तो आप टेप लगा सकते हो, चाहो इसको भी धागे से जोड़ सकते हो। तो यहाँ मैंने टेप लगाई, बाकी का जो पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड डाउन कर दिया, ठीक है कुछ इस तरह से बेंड डाउन हो गए पीछे की तरफ। अभी थोड़ा और ये कर देता हूँ यहाँ से ये। अब ये तो था मेरा बॉटम का, अब जो आता है टॉप का, मैं टॉप पे क्या करूँगा जहाँ तक मुझे तिल्ले की जरूरत है वहाँ तक रखूँगा, बाकी का तिल्ले को मैं तोड़ दूँगा। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल टाइट किया तिल्ले को थोड़ा, और थोड़ा सा बैंड ओढ़ दिया, और यहाँ तक मैंने इस तिल्ले को तोड़ दिया। ये देखिए ठीक है, यहाँ तक ये तिल्ला आया सिर्फ। ये देखिए थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए यहाँ तक। अब मैं इस पर टेप लगा देता हूँ। आप सिंगल कम कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं भाई दो बंदों की जरूरत पड़ेगी, सिंगल बंदा बड़ी आसानी से पतंग को बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पतंग बनाने में, बड़ी आसानी से बना सकता है। ये देखिए ये मैंने लगाया यहाँ पर, बाकी का जो पोर्शन है इसको मैं कट कर देता हूँ, टेप वाले पोर्शन को जो साइड में टेप निकल गई है इसको, यहाँ से मैंने कट किया इसको, और यहाँ से मैंने इसको कट डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये पोर्शन मेरे पास मतलब जो मेरा तिल्ला था स्ट्रेट तिल्ला वो लग के तैयार हो चुका है। अब चाहो तो बीच में भी आप टेप लगा सकते हो ताकि तिल्ला इधर उधर मूव ना करे, तो मैं छोटी सी टेप भी बीच में लगा देता हूँ यहाँ पर। तो भाई ये तो हमारा हो गया अब तैयार। अब हम आते हैं कमान की बारी, जो गोलाई का तिल्ला होता है उसकी। तो हमने यहाँ से रखा, और जब भी आप कमान का यूज़ करो, अगर आपके पास पुरानी पतंग का तिल्ला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यूज़ कर रहे हो वैसे जैसे झाड़ू के तिल्ले हो गई है, तो साइडों से थोड़ा अंदर की तरफ कोशिश करो। देखो जैसे साइड है ना, थोड़ी साइड में गैप छोड़ के यहाँ से यहाँ तक के लेने की इसको कोशिश करो। तो मैं यहीं से यहीं करूँगा, मतलब ये साइड थोड़ी सी तोड़ देता हूँ। देखो मैंने साइड को थोड़ा सा तोड़ दिया, ये देखिए अलग कर दी मैंने साइड को थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है साइडों में ना बिल्कुल बाहर की तरफ थोड़ा मोटा परत होती है, तो एक तरफ पतंग को ऐसे गोल 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 झुका देगी। रखी हमने टेप यहाँ पर, और उसके बाद हमने तिल्ले को रखा अपने नीचे की तरफ, टेप को बेंड किया यहाँ से, और फिर टेप को पीछे की तरफ बेंड कर दिया, ठीक है। ये हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब सेम स्टेप ये है, तो उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि तिल्ला मुझे कितने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब सिर्फ ये इतना सा तिल्ला चाहिए, बाकी का जो पोर्शन है इतना सा ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं तोड़ दूँगा। बढ़िया ध्यान से तोड़ने, पता लगे आपने तिल्ला ही तोड़ लिया, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टेप लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने टेप लगा दी इसको, मैंने टेप लगाई यहाँ, उसके बाद मैंने इसको किया बेंड यहाँ से, और बेंड करने के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पर पहला बेंड,
और फिर उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ दूसरा बैंड, और फाइनली हमारी जो पतंग है वो हो गया रेडी। तो प्योर ब्लैक कलर की हमारी पतंग हो चुकी है गाइज रेडी, और देखिए कितनी अच्छी पतंग यहाँ पर बन के सामने आई है। अब इसमें बचते हैं कन्ने, और कन्ने डालने से पहले अब मैं इसमें नीचे लगाऊंगा पूंछ थोड़ी सी। तो देखिए सबसे पहले तो पतंग देखिए और क्या ज़बरदस्त पतंग है, और इसका भी फ्लाइंग टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं इसकी ना पूंछ बना देता हूँ। पूंछ बनाने के लिए क्या था, जो मैंने कटिंग की थी ना यहाँ पर, ये मेरे पास कटिंग का पोर्शन आया था, ठीक है, इसको तो मैं साइड में कर देता हूँ। ये जो हमने काटे थे यहाँ पर, ये काटे थे ना याद हो आपको, स्टार्टिंग में हमने कटिंग किए थे, ठीक है, इसको हम लेते हैं यहाँ पर, और इन्हीं से हम इसकी जो पूंछ है उसको हम तैयार करेंगे झल्लर वाली। तो मैंने सिर्फ एक पोर्शन लिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ रखा, फोल्ड किया गोल 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 गोल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से गोल गोल फोल्ड किया, सीजर की मदद से इसमें कट पा दूंगा मैं, ठीक है, कट डाल दिए, यहाँ से कट डाल दिए, यहाँ से कट डाल दिया, यहाँ से कट डाल दिया, और यहाँ और इसको जब मैं इसको करूँगा सेटलमेंट, तो भाई खुल जो, बीच में कुछ रह गए पोर्शन से जो नहीं खुले, उसको मैं हाथों से खोल देता हूँ। ये पोर्शन है यहाँ का, ये पोर्शन है, दिख के होगा झालर बन गया ना, बस बड़ी आसानी से हमने पूछ भी बना ली इसकी। ये देखो तो कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पर। अब इसको रखेंगे यहाँ फर्स्ट क्लास, और अब इसको लगा देंगे यहाँ पर टेप। हो गया हमारा काम ख़त्म, पतंग बन के होगी रेडी, और अब इसका फ्लाइंग टेस्ट करेंगे कन्ने डाल के। कन्ने तो गाइस आपको डालने आते ही होंगे किस तरह से, यहाँ देखिए पूंछ लगने के बाद क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है पतंग का, है ना, ये देखो। कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लगी ये पतंग। कन्ने डालने का आपको पता ही है भाई, चार होल करने होते हैं, किधर एक किधर दो यहाँ पर करने होते हैं, आपको थ्रेड लेना होता है। जिन्होंने नहीं देखा मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, और उसमें ये भी बताया भाई अगर आप प्रोफेशनली कन्ने डालने चाहते हो तो वो कैसे डाल सकते हो, जो नॉर्मली कन्ने डालने चाहते हो तो वो कैसे डाल सकते हो। तो गाइस इसके हम कन्ने डालेंगे और करेंगे फिर फ्लाइंग टेस्ट। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।